दोस्तों भारत को संतों और महात्माओं की भूमि कहा जाता है और ऐसे कई महान संतों और पुरुषों ने इस पावन धरती पर जन्म लिया और इस भारतवर्ष की धरती को धन्य किया। दोस्तों हमारे चैनल पर हम कई महापुरुषों के बारे में, संतों के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी दे चुके हैं और उनके जीवन के बारे में भी अपडेट करते रहते हैं। दोस्तों इसी कड़ी में आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे भारत के सुप्रसिद्ध कथावाचक श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की जीवनी के बारे में, उनकी पूरी कहानी के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनके पूरे परिवार के बारे में, उनकी उम्र के बारे में, उनकी इनकम के बारे में, उनकी कथा की फीस के बारे में, उनके सोशल अकाउंट के बारे में, यूट्यूब चैनल के बारे में और उनके नेटवर्थ के बारे में। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल द डायमंड टॉक पर। दोस्तों हमारे चैनल द डायमंड टॉक पर हम हर शुक्रवार को एक बायोग्राफी पर आधारित वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो आज की बायोग्राफी में हम बात करेंगे श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की जीवनी के बारे में। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल द डायमंड टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़े हुए वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट जरूर करेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज के समय में अनिरुद्ध महाराज जी हर घर की शान बन गए, क्योंकि उनकी श्रीमद् भागवत कथा लगभग हर घर में टीवी या मोबाइल के माध्यम से देखी और सुनी जाती है। दोस्तों यदि अनिरुद्ध महाराज जी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 27 सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के दमोह जिले के रेवंछा नामक गांव में हुआ था। दोस्तों कई जगह इनके जन्म के बारे में जबलपुर भी बताया जाता है। दोस्तों बचपन से ही उनका मन आध्यात्मिक क्षेत्रों में अधिक लगता था और इसी कारण उन्होंने भगवद गीता, रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया। दोस्तों सबसे बड़ी कमाल की बात अनिरुद्ध महाराज जी के बारे में ये बताई जाती है कि इन्होंने बचपन में ही हनुमान चालीसा को कंठस्थ याद कर लिया था। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज शिक्षा प्राप्त करने के बाद वृंदावन चले गए थे, जहां उन्होंने अपने गुरु संत श्री गिरिराज शास्त्री महाराज से दीक्षा ली और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज को बचपन से ही गाय सेवा बहुत पसंद थी, क्योंकि ये बचपन में गायें चराया करते थे और यही कारण है कि वे गाय को माता की उपमा देते हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज वृंदावन आए और संस्कृत का अध्ययन किया। इसके अलावा उन्होंने सभी हिंदू धर्म ग्रंथ सीखे। स्वामी अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज को अपनी शिक्षा गुरु संत गिरिराज महाराज से ली थी। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के यदि परिवार की बात करें तो दोस्तों इनके परिवार में इनके पत्नी, दो बच्चे और इनके माता पिता यानी कुल 6 लोग हैं। उनके पिता का नाम श्री अवधेशानंद गिरी है, जो भागवत आचार्य रह चुके हैं। इसके साथ ही उनकी पत्नी भी गुरु माता हैं और प्रवचन देने का काम करती हैं। महाराज जी के जो बच्चे हैं उनके माता पिता के साथ ही रहते हैं। शादी की बात करें तो जब अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज का विवाह हुआ तो इन्होंने सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म के अनुसार विवाह किया, पूरे रीति रिवाज के साथ विवाह किया और उनकी पत्नी भी प्रवचन का काम करती हैं, गायन का भी काम करती हैं। दोस्तों आगे हम बात करेंगे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के करियर के बारे में। जैसा हमने ऊपर भी बताया कि श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की स्कूली शिक्षा दीक्षा बहुत ही शानदार रही। बचपन से ही अनिरुद्ध महाराज जी का मन आध्यात्मिक और बहुत तेजी से बढ़ता था, इसीलिए वह वृंदावन आ गए। अपने गुरु की शरण में विभिन्न हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और एक कथावाचक और भक्ति गायक के रूप में अपने करियर का शुरुआत किया। इस समय वो YouTube और कई TV चैनलों के माध्यम से अपनी भागवत कथा का प्रचार प्रसार करते हैं। जहां पर उनकी कथा होती है वहां पर लोगों की काफी भीड़ देखने को मिलती है। इसी कारण दोस्तों यदि आपको कथा का लाभ लेना है तो जहां पर भी अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की कथा होती है वहां पर आपको 5 से 6 घंटे पहले कथा स्थल पर पहुंचना पड़ेगा, तब आप कथा का आनंद ले पाएंगे। दोस्तों अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के सामाजिक कार्यों की बात करें तो अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज हमेशा लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि लोग अपने धर्म के मार्ग से भ्रमित ना हो। इसके अलावा उनके बारे में कहा जाता है कि उनका आश्रम भी है, जहां वे गरीब लड़कियों के लिए विवाह कार्यक्रम आयोजित करते हैं, ताकि जिनके पास पैसे नहीं है उनके माता पिताओं की लड़कियों का विवाह समय पर हो सके और आराम से हो सके। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के धार्मिक कार्यों की यदि बात करें दोस्तों तो इस दुनिया में सभी धर्मों के लोगों को अपने विश्वास और विचारधारा के सिद्धांत के बारे में जागरूक होना आवश्यक है, तभी आप अपने विश्वास के प्रति लोगों को समर्पित कर पाएंगे। ऐसे में अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज हमेशा हिंदू धर्म में रहने वाले लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। हिंदू धर्म का प्राचीन इतिहास बताते हैं, धार्मिक मान्यताओं के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं और बताते हैं कि हमारा सनातन धर्म कितना प्राचीन है, जिसका न तो आदि है न अंत है, ये सनातन धर्म है और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमने सनातन धर्म में जन्म लिया है और हमारे सनातन पूर्वज कैसे रहे और उनका इतिहास क्या है।
दोस्तों अनिरुद्ध आचार्य महाराज के यदि पुरस्कार की बात करें तो अनिरुद्ध आचार्य महाराज के पुरस्कार में अभी तक केंद्र या राज्य सरकार की ओर से कोई जिक्र तो नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से सामाजिक और धार्मिक कार्य कर रहे हैं उम्मीद है कि अनिरुद्ध आचार्य महाराज को सरकार जरूर पुरस्कृत करेगी। अनिरुद्ध आचार्य महाराज की यदि दोस्तों नेटवर्थ की बात करें तो देखिए स्वामी जी का अपना एक बहुत बड़ा विशाल ट्रस्ट है। अगर हम अनिरुद्ध आचार्य महाराज की सालाना नेटवर्थ की बात करें तो चार से पाँच करोड़ के आसपास है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि YouTube चैनल, सोशल मीडिया और बहुत सारी चीज़ें हैं जहां से उनकी इनकम होती है, लेकिन इनकी आधारिक पुष्टि इनकी इनकम की नहीं हम बता सकते क्योंकि इसकी आधारिक पुष्टि नहीं है। दोस्तों अनिरुद्ध आचार्य महाराज के शुल्क की बात करें तो स्वामी अनिरुद्ध आचार्य आज के समय में सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय भगवत आचार्य हैं, जिनके एक दिन के फीस लाखों में। अगर भागवत कथा की बात करें तो इनकी कथा 7 दिनों तक चलती है। अगर भागवत कथा करवानी हो तो 2 से 3 महीने पहले आपको बुकिंग करनी होती है, और अगर आपको इसकी फीस के बारे में सटीक जानकारी लेना है तो महाराज जी के सोशल अकाउंट पर जाकर ईमेल और फोन नंबर के माध्यम से उनकी टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको अनिरुद्ध महाराज जी से मिलना है या उनसे संपर्क करना है तो स्वामी जी की टीम हर जगह सक्रिय रहती है, इसलिए इनसे संपर्क करना बहुत ही आसान है। इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर आप जा सकते हैं जहां पर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल मिल जाएंगे, और वहां पर जाके आप विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों अनिरुद्ध महाराज जी से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारी भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों आचार्य जी ने देश विदेश में 600 से अधिक कथाएं की हैं। श्री अनिरुद्ध महाराज जी ने 2016 में वृद्ध माताओं के लिए गौरी गोपाल आश्रम की शुरुआत की। अनिरुद्ध महाराज जी की अधिकांश कमाई गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम में माताओं को दान कर दी जाती है। स्वामी जी के पिताजी की यदि बात करें तो वो भी एक मंदिर में पुजारी ही थे। स्वामी अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के बारे में सबसे रोमांचक बात यह है कि उन्होंने बचपन से धार्मिक क्षेत्र में बहुत ध्यान दिया और भगवद गीता, रामायण आदि चीज़ों से ज्ञान प्राप्त किया। श्री अनिरुद्ध महाराज जी से जुड़ा हुआ एक दिलचस्प किस्सा यह भी है कि उनका पूरा परिवार पूरी तरह से धार्मिक क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसमें उनके पिता श्री अवधेशानंद गिरी भागवत आचार्य हैं, साथ ही उनकी पत्नी भी आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रचार प्रसार करती हैं। अगर स्वामी अनिरुद्ध आचार्य जी के बारे में और अधिक रोमांचक बात करें तो उनका नाम धार्मिक क्षेत्र में आता है, जो वर्तमान समय में सबसे तेजी से प्रसिद्ध हो रहा है। और यदि आप बात करेंगे भारत के सबसे प्रसिद्ध कथावाचक की तो निश्चित रूप से श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज का नाम उसमें सबसे ऊपर आपको देखने और सुनने को मिल जाएगा। अनिरुद्ध आचार्य जी के बारे में सबसे रोमांचक बात यह है कि आज के समय में लगभग हर घर में उनको टीवी चैनल और मोबाइल के माध्यम से देखा और सुना जाता है। स्वामी जी के बारे में सबसे रोमांचक बात यह है कि ये गाय और बैल से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। बचपन में जब ये छोटे थे तो स्वामी जी गायें चराया करते थे ताकि वह बड़ी हो और उनको बढ़ते हुए देख सके। और दोस्तों जहाँ पर ये गायें चराते थे वो बागान आज भी मौजूद है। दोस्तों अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के यदि YouTube चैनल की बात करें तो इनका YouTube चैनल का नाम है अनिरुद्ध आचार्य जी, जहां पर 12.3 मिलियन सब्सक्राइब वर्तमान में मौजूद हैं। तो दोस्तों ये थी अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज से जुड़ी हुई बायोग्राफी, जहां पर हमने उनके जीवन के बारे में सारी जानकारी कवर करने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। यदि कोई इन्फॉर्मेशन या जानकारी मिस हो गई है तो वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों सारी जानकारी सोशल मीडिया पर प्राप्त जानकारी के आधार पर बताई गई है, जिसमें कोई भी त्रुटि होती है तो आप सोशल मीडिया पर जाकर और जानकारी से अवगत हो सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर से किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।